सियरा के सिंगल रिसर्च एनालिस्ट और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। आज हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल तो बताएंगे ही, साथ में एक स्टॉक बताएंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, टेक्निकल बेस पर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बात करते हैं आज के बाजारों की। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आज निफ्टी ओपन हुआ 9027 पर, जो कि इमीडिएटली निफ्टी ने 8946 का लो लगाया, लेकिन क्योंकि एक इकोनॉमिक पैकेज आने की एक बात हो रही है तो उसकी संभावना की वजह से निफ्टी में बाइंग स्टार्ट हो गई और निफ्टी ने डे हाई लगा दिया 9209 का और फाइनली निफ्टी ने क्लोजिंग दी 9187 पर। अगर कल के लिए बात करें, कल यानी 23 अप्रैल को निफ्टी ने 20 अप्रैल को एक आर्ली चार्ट पर एक गैप दिया है, जो हमें लगता है कि वो गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और वो गैप फिल होता है 9250 पर। तो हमें लगता है 9250 के साथ साथ 9350 तक निफ्टी टच कर सकता है, लेकिन स्ट्रांग मूव निफ्टी में 9400 पार करने के बाद और उसमें सस्टेन होने के बाद ही आ सकता है। तो इसलिए हमें लगता है कि 9350 तक के लेवल तो क्रॉस आ जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और वहां से फिर हम दोबारा से 9200 से लेकर 9100 तक के लेवल निफ्टी में देख सकेंगे कल। तो हमारा व्यू वही उछाल पे बिकवाली का है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी आपकी स्क्रीन पर। आज की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 19307 पर और इमीडिएटली बैंक निफ्टी ने लो लगाया 19052 का, लेकिन वही इकोनॉमिक पैकेज की वजह से बैंक निफ्टी ने 19600 तक का लेवल छुआ और ये लेवल बैंक निफ्टी ने दो बार छुआ, लेकिन उसके बाद 19600 पे सस्टेन नहीं कर पाया और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और 19250 तक टच किया, लेकिन दोबारा से बैंक निफ्टी में एक स्ट्रांग बाइंग देखी गई जिसने कि बैंक निफ्टी को 19806 यानी डे हाई 19806 बनाया और फाइनली बैंक निफ्टी ने 19702 पर क्लोजिंग दी। अगर हम कल के लिए बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी आर्ली चार्ट पर एक गैप है जो कि बैंक निफ्टी कल फिल करने की कोशिश करता है। ये गैप 20500 में फिल होता है, यानी कि 20500 तक तो बैंक निफ्टी टच करेगा, लेकिन उसके बाद स्ट्रांग मूव हमें बैंक निफ्टी में 21100 के लेवल को तोड़ने के बाद ही और उस पर सस्टेन होने के बाद ही मिलेंगे, जो कि बैंक निफ्टी को 21500 से 22000 के लेवल तक ले जा सकते हैं। हालांकि हमें लगता है कि 20500 के लेवल के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए जिससे कि बैंक निफ्टी दोबारा से 20000 से लेकर 19500 तक के लेवल दिखा सकता है। हमारा व्यू वही उछाल पे पिकवाली का है। आज बात करते हैं एक पिक ऑफ द डे की, यानी एक शॉर्ट टर्म पिक। जो शॉर्ट टर्म पिक है हमारी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, करंट मार्केट प्राइस है 531 का। इस स्टॉक को आप 520 से 525 की रेंज में खरीद सकते हैं। इसका हमारा टारगेट प्राइस है 560 से 565 का, जो कि लगभग 7% अपसाइड है, जो कि हम 7 से 15 दिन में देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली 499 पे रखना होगा क्लोजिंग बेस पर। स्टॉक जो है अभी ट्रेल लाइन के जो हमारा ट्रेल लाइन है उसके सपोर्ट प्राइस के आसपास है। साथ ही साथ आज स्टॉक ने एक बुलिश एंगलफिंग पैटर्न बनाया है जो कि हमें लगता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रहा है, तो इसलिए हम ये स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही मुनाफा कमाते रहें, हमारे व्यू शोज को देखते रहें और घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।